नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील खराटे केळकर हॉस्पिटल रामदासपेट अकोला यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। और हमारा हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, ये भुसावल के नज़दीक गिरता है। नागपुर से 3 घंटे का रास्ता है, भुसावल से 2 घंटे का रास्ता है। बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं। अभी अपने स्टूडियो में ये जो पेशेंट आए हैं उन्हीं से अपन बात करते हैं। नमस्ते। नमस्कार सर। आप कहाँ से आए हो? सर, मैं पहले तो केळकर हॉस्पिटल का और उसकी टीम का सर दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। क्योंकि ये हॉस्पिटल महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मैं बहुत घूमा हूँ, नागपुर है, मुंबई और पुणे में गया, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल में देखा नहीं पहली बार। और मेंटल के बारे में, हाँ हाँ, मैंने मुंबई में जे हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट लिए, लाइक हमारे गांव से बहुत। अच्छा, तो आप समाज कार्य करते हो? समाज कार्य करता हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में महाराष्ट्र में तो नहीं है पहली बार। अच्छा अच्छा। तो हम हिंगोली के, हिंगोली में बसमत हमारा ब्लॉक है, उसके बाद 40 किलोमीटर हमारा गाँव है, वहाँ से हम रहते हैं। मेरा छोटा भाई है। आपका भाई है? भाई है मेरा। ओके, ओके, ओके। और ये उसको मेंटली प्रॉब्लम था। क्या तकलीफ थी उसको? सर पहले तो उसमें आंग में ऐसे बोल रहा था कि वो देव का भक्त है, खुद को भगवान मान रहे थे, सैलानी बाबा का और महादेव का भक्त। अच्छा, अच्छा। उसके बाद उन्होंने हमने दुर्लक्ष किया और उनका नजरअंदाज किया, लेकिन उसके दो तीन दिन के बाद बहुत मेंटली प्रॉब्लम हुआ। अच्छा। वो कि कुछ सुना नहीं दे रहा था, उसको डर लग रहा था, खुद का लोगों का पहचान के लोग आए तो भाग जा रहा था। अच्छा। तो हमसे लगा कि वो यस उसको मेंटली प्रॉब्लम हुआ। तो 2-3 दिन के बाद वो घूम रहे थे जंगल में घूम रहे थे, मतलब घर छोड़ के जंगल में भाग गए थे। उसको दो बच्चे हैं और एक बीबी है, उसके पास भी रहना था, वो भाग के जा रहा था। तो हमने सोचा कि यस उसको मेंटली प्रॉब्लम, और हमने ऐसे भी उसको पकड़ के हम 2 दिन में घूमे, वो मिला नहीं। लेकिन उसके बाद उसके हमारे एक बड़ा भाई है, उसके अंदर से हमें उसको पकड़ लिया और डायरेक्ट उठा के गाड़ी में डाल के केळकर हॉस्पिटल आए। ऐसा बैठते थे क्या घर पे? वो नहीं उसको बैठते थे नहीं से, वो भाग, मैं भी दिखा तो भाग जा रहा था। कोई भी अगर दिखा तो भाग जाता था घर से, 3-4 दिन वो घर से बाहर था, लेकिन इन्होंने जो रिलेटिव है, रिलेटिव लोगों ने उनको पकड़ के लाया है। अभी कितने दिन से यहाँ पे हो? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए अभी। पहले लग रहा है सर, पहले दिन हम लाए थे तो काउंसलिंग हुई थी उसकी। अच्छा। तो उसकी काउंसलिंग हुई थी, तो उसके बाद हमने डॉक्टर से बोला और रूलिंग हुआ कि काउंसलिंग के बाद वो वहाँ भाग के जा रहा था, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग के बाद डॉक्टर साहब ने एडमिट कर लिया। अच्छा। और 12 बजे तक वो ऐसा परेशान था सर, खुद को बोल रहा था। अच्छा। वो भगवान का नाम रहा था, ऐसा ऐसा हुआ। तो 12 के बाद उन्होंने थोड़ा सो गया, लेकिन दूसरे दिन जब उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा हल्का है समय सुझा, और 8 दिन के बाद दिखाए। हाँ। सर ये 8 दिन के बाद उसकी तबीयत इतनी मजबूत हुई सर, 100% हम तो 10% उसको फर्क नहीं था, आज 90% हो गया। तो हम सर बहुत धन्यवाद देते हैं इस केळकर हॉस्पिटल को और उसकी टीम को। देखिए, मेंटल इलनेस का पेशेंट था, साइकोसिस की बीमारी थी, और ऐसे पेशेंट को हम ECT, IVP, काउंसिलिंग और टैबलेट, ऐसे तरह के मेडिसिन और हिप्नोथेरेपी का सहारा लेके पेशेंट अच्छा करते हैं। अभी आपके सामने पेशेंट था, 8 दिन के पहले की कंडीशन उसने बताया, और 8 दिन के बाद में अभी की पेशेंट की कंडीशन दिखा रहे हैं। तो ऐसा अगर पेशेंट आपके आजू बाजू में है, पड़ोस में है, गांव में है, शहर में है, स्टेट में है, तो हमारे पास में लेके आइए, हम उसको पक्का अच्छा करेंगे। नमस्कार।